बीच मैच में कप्तान रोहित शर्मा हुए अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, बचना हो गया मुश्किल। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिना समय ले तो दोस्तों आई वीडियो को शुरू कर देते हैं। और अगर मैं आपको बताते चलूँ, बांग्लादेश और टीम इंडिया आमने सामने आज दूसरा वनडे मुकाबला खेल रही थी, जहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से घायल और पूरी तरह से चोटिल हो गए कप्तान रोहित शर्मा और टीम से बाहर हो गए थे। दोस्तों बैटिंग करते हुए नजर नहीं आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन इसी बीच निकलकर सबसे बड़ी खबर जो कि मैं आपको बता दूं, दूसरा वनडे मुकाबला दोस्तों शोक में बदल गया और साथ में छा गया पूरा क्रिकेट जगत में मातम और टीम इंडिया में मच गया पूरी तरह से हड़कंप कप्तान रोहित शर्मा को लेकर। वहीं पर आपको बताते चले, डॉक्टर से मुताबिक यह खबर पता चल रहा है कि रोहित शर्मा को बचना हो गया मुश्किल, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों रोहित शर्मा के घातक चोटिल हुआ है पैर पर और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हॉस्पिटल में बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया रोहित शर्मा को, लेकिन दोस्तों डॉक्टरों से पता चल रहा है कि कम से कम 10 दिन रेस्ट लगेगा रोहित शर्मा को और तब जाकर ठीक होंगे। और ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना जाना है तो कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं विराट कोहली दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ। और वहीं पर आपको बताते चले, कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से अपने आप में टूट चुके हैं, जिस तरह से दोस्तों घातक जो कि चोटिल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि बचना हो गया मुश्किल, डॉक्टरों ने ऐसा जवाब दिया है। तो दोस्तों आपको कहना चाहेंगे कप्तान रोहित शर्मा को लेकर, हम सब यह दुआ करेंगे कप्तान रोहित शर्मा जल्द से जल्द ठीक होकर टीम इंडिया में वापस लौटें।